मैं जो बोलता हूँ ना, मेरी तनख्वाह होती ना, मैं कभी नहीं बोलता, निकाल देंगे मेरे को। इनके लिए दुआएं भी करता हूँ यकीन माने, लेकिन मैं कभी कभी कान भी खींच लेता हूँ। ये मदनी चैनल के सबसे चीफ मुफ्तिश बैठे हैं हमारे पास। दावत इस्लामी के मदनी चैनल से मौलाना इलियास कादरी को कितना फायदा हो रहा है? मौलाना इलियास तार कादरी दावत इस्लामी से कितने पैसे लेते हैं? अगर दावत इस्लामी इनको पैसे दे तो क्या होगा, अगर ना दे तो क्या होगा? सुनिए इन्हीं की जुबानी। मैं जो बोलता हूँ ना, मेरी तनख्वाह होती ना, मैं कभी नहीं बोलता, निकाल देंगे मेरे को। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं इनके माते तो नहीं किसी के, सारे मेरे मदनी बच्चे हैं, मदनी बेटे हैं। मैं इनको प्यार भी करता हूँ, इनके लिए दुआएं भी करता हूँ यकीन माने, लेकिन मैं कभी कभी कान भी खींच लेता हूँ। किसी फर्द के इस तरह अलैहिल्लाह नहीं खींचता, ये नहीं ठीक। और क्या मकसद? मैंने जैसे कहा मेरी तो तनख्वाही नहीं है ना, मैं तो कभी भी एक रुपया भी दावत इस्लामी से नहीं लेता, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की अल्लाह कबूल फरमाए। जी हाँ नाज़रीन, ये सोच है मौलाना इलियास तार कादरी की कि आपकी फिक्र आखिरत है, फिक्र दीन है। जितने आपके यूट्यूब चैनल्स हैं, मिलियन में इसके व्यूज और सब्सक्राइबर हैं, अगर आप इनको मोनेटाइज करवा लें या फिर स्पॉन्सरशिप का सिलसिला शुरू कर दें तो आप दिन के लाखों कमा सकते हैं। दावत इस्लामी के उससे फ़ायदा भी हो सकता है, लेकिन नहीं, दीन का काम खालिस तरीके से करना है। अल्लाह पाक आपको आबाद रखे।